Hello students, welcome to Super Grads and I am your English mentor Sana ma'am. And this time I'm here with a very very requested video, how to deal with sectional timings in IPMAT VA. The verbal ability section, definitely you have a plethora of different question types in which many of them are very much comprehension driven, right? लंबे लंबे पैसेजेस पूछ लेता है आईपी मैट इंदौर, ठीक है, पैरा कंप्लीशन को भी पढ़ने में टाइम लगता है, ग्रामर भी समटाइम्स ट्रिकी आ जाती है एंड पैरा जंबल्स तो माशाल्लाह क्या ही कहना. सो स्टूडेंट्स आर ऑफन फेसिंग दिस प्रॉब्लम दैट यू नो डिस्पाइट देयर बेस्ट प्रैक्टिस दे आर नॉट एबल टू अटेम्प्ट मेनी क्वेश्चन और रादर इनफ क्वेश्चन. क्वेश्चन छूट जा रहे हैं और कंटिन्यूसली छूट रहे हैं, तो क्या ऐसा करना चाहिए जिससे ये जो सेक्शनल टाइम लिमिट है इसमें हम प्रॉपर तरीके से अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर पाए. ओके, सो कट टू कट बात करेंगे, एकदम ब्रीफ में पॉइंटेड बातें लेके आई हूं आज मैं आपके लिए स्टेट टिल द एंड. ऑलराइट, सो इसको मैं हैंडल करूंगी इन अ पर्टिक्युलर वे. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ब्रोकन दिस एंटायर थिंग इंटू टू प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी, मतलब मैं आपको डुअल अप्रोच बता रही हूं इसके लिए. देखिए, इस बात के ना दो पहलू हैं. एक हो गया कि एग्जाम में मैं ऐसा क्या करूं, राइट, किस ऑर्डर में चलूं, व्हाट आर द क्वेश्चन दैट आई मस्ट पिक अप, व्हाट कैन आई डू ड्यूरिंग द एग्जाम सो दैट आई एम एबल टू हैंडल द सेक्शनल टाइम लिमिट रियली वेल, आई एम एबल टू मैनेज माय टाइम इफेक्टिवली ड्यूरिंग द एग्जाम. बट देन आपको भी पता है कि कोई जादू नहीं हो जाएगा. अगर मैं सिर्फ इस पे बात करूंगी तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ वेरी सुपरफिशियल थिंग, ऐसा कर लो वैसा कर लो. भाई, जब तक तुम्हारी स्पीड ही नहीं होगी अच्छी तो तुम क्या कर लोगे, राइट? सो ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ वर्क हैज टू गो इनटू बिल्डिंग योर स्पीड, योर स्टैमिना एंड इवन इंश्योरिंग योर एक्यूरेसी, राइट? वी डोंट हैव टू इंक्रीज आवर अटेम्प्ट्स, ओके, एट द कॉस्ट ऑफ आवर एक्यूरेसी. सो देयर हैज टू बी अ फाइन बैलेंस बिटवीन द टू. सो अनदर वेरी क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ दिस इज प्रैक्टिस स्ट्रैटेजी फॉर बिल्डिंग स्पीड. हमें जो हमारे पास में टाइम है, व्हाटएवर वी बिट ऑफ टाइम दैट इज लेफ्ट विद अस, उसको ऑप्टिमाइज करना है. एंड कुछ चीजें बता रही हूं, ऐसे करो तो आई एम श्योर तुम बहुत अच्छी तरीके से अपने इस सेक्शन को विद इन द स्टिप्यूलेटेड टाइम क्रैक कर लोगे. तो चलिए, वी बिगिन विद द फर्स्ट एंगल ऑफ इट, टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग योर एग्जाम. नो योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, स्टार्ट विद योर स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया. सी, आई पर्सनली डोंट अप्रूव ऑफ अ स्ट्रैटेजी वेयर समबडी इज कमिंग एंड टेलिंग यू इसको पहले करो फिर उसको करो फिर उसको करो. नो, इट डजंट वर्क दैट वे. यू शुड नो नंबर वन व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड योर वीकनेसेस, व्हाट आर दोज थिंग्स दैट यू आर रियली वेरी गुड एट, व्हाट आर योर वीक एरियाज. ये आपको वैसे भी एक प्रेपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, बिकॉज तभी आपको समझ में आएगा किन एरियाज पे आपको कैपिटलाइज करना है और जो आपके वीक एरियाज है उस पर आपको काम करना है. बट टाइम मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में ये कैसे होगा? देखिए, ये ऐसे अप्लाई होगा कि आप जब भी कोई भी पेपर करते हो, यू हैव टू स्टार्ट विद योर स्ट्रॉन्ग एरियाज आइडियली. बट इसमें भी कुछ न्यूएंस है, वो मैं आपको इन अ वाइल बताऊंगी. ऑलराइट, सो इफ आई थिंक दैट यू नो आई एम वेरी गुड विद पैसेजेस, आई कैन स्टार्ट विद पैसेजेस, बिकॉज उससे आपको कॉन्फिडेंस भी बनता है, राइट? आई एम गुड विद वोकैबुलरी, देन आई विल स्टार्ट विद वोकैबुलरी, राइट? I am confused with parajumbles, I will not start with parajumbles, right? So, जो एरिया तुम्हारे स्ट्रॉन्ग है उससे अपना पेपर स्टार्ट करने की कोशिश करो. इससे टाइम इफेक्टिवली मैनेज हो पाएगा. बट यू हैव टू सी कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए दैट आई ओवर डू और आई एक्सीड अ लॉट. ओके, इट्स बेटर टू कीप parajumbles टीटा इन द एंड. देखो यार, आईपी मैट इंदौर की मैं बात करूं तो आपको ये चीज अच्छे से पता है कि आपको 45 क्वेश्चंस करना है इन नियरली 40 मिनट्स. अब 45 के 45 पूरे क्वेश्चन करना जरूरी नहीं होता है, बट ऑब्वियसली कंसिडरिंग द काइंड ऑफ सेक्शनल कट ऑफ दैट वी हैव बीन हैविंग रिसेंटली, वो तो बढ़ते ही जा रहा है ईयर आफ्टर ईयर. सो ऑब्वियसली वी हैव टू मेक एज मेनी एफर्ट्स एज पॉसिबल, राइट? अटेम्प्ट्स मैक्सिमाइज करना है. इसलिए मैं आपसे बोलूंगी कि पहले से नेवर गो विद एनी प्री कंसीव नोशन कि यार ये तो मुझे करना ही नहीं, वो तो मुझे करना ही नहीं. अटेम्प्ट जितने कर सकते हो करने की कोशिश तो करना है, बट विद एक्यूरेसी. तो यहाँ पे है पैरा जंबल्स जो होता है आईपी मैट इंदौर का वन ऑफ द ट्रिकीएस्ट क्वेश्चन टाइप होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आपको टीटा है, मतलब ऑप्शंस नहीं मिल रहे, टाइप इन द आंसर है.
Now, this can be cracked only by students who have very meticulously practiced it or who are really comfortable with it. So I've seen many students who stumble in it. Ye waqai mein mushkil hai, and this is going to compound your problem if you take it in the beginning. Main chhodne ko nahi keh rahi hun, I repeat, but main keh rahi hun ki isko aap last mein rakho to better rahega. हाँ, अगर आपको लगता है नहीं मैडम ये तो मेरा मतलब सॉर्टेड है, मैं तो हमेशा क्रैक कर लेती हूँ, देन आई मस्ट से कि आप तो सुपरमैन हो, फिर आप इसको पहले रख सकते हो. बट इन जनरल फॉर द जनरल पब्लिक ट्राई कीपिंग इट इन द एंड. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नो व्हेन टू लीव अ क्वेश्चन. ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है. दिस इज एप्लीकेबल टू आई थिंक एवरी सेक्शन यू नेम ऑफ. रीजनिंग में भी किसी सेट में फंस गए, अब हमने इसको अपनी अना का मसला बना दिया. दिस इज अ मैटर ऑफ आर ईगो एंड प्राइड. हम छोड़ नहीं सकते क्वेश्चन को, हमें लगता है हमने इतने सारे मिनट्स इसमें लगा दिए, नाउ हाउ वी कैन लीव इट. बट यू मस्ट अंडरस्टैंड, यू मस्ट बी प्रैक्टिकल इनफ. इफ यू फील एक पैरा कंप्लीशन में तुमने ज्यादा टाइम लगा दिया, इट्स टाइम टू मूव ऑन. ड्यूड, देर आर 44 अदर क्वेश्चंस वेटिंग फॉर यू, राइट? सो यू मस्ट नो व्हाट इज द राइट टाइम व्हेन यू हैव टू लीव अ पर्टिकुलर क्वेश्चन. सम क्वेश्चंस आर लेस टाइम कंज्यूमिंग देन अदर्स. अब ये बड़े मुद्दे की बात है. देखो, बाय डिफॉल्ट आपको पता है कि आरसी है तो उसमें टाइम तो लगेगा, right? Students take as much as 8 minutes, sometimes 10 minutes in RCs. First of all, I discourage you. Itna time nahi lagana chahiye ek RC mein ke 10-10 minute, 12-12 minute kar rahe. Usko koshish karna hai humko ke 6 to 8 minutes ke ek healthy bracket mein finish kar le. But it of course depends. Kabhi RC easy ho sakta hai to jaldi bhi ho sakta hai. Depends. But then we know ke isme time to lagega. पैरा कंप्लीशन अगर लेंदी पैराग्राफ है और उसमें सिर्फ आपको एक ही क्वेश्चन मिल रहा है, टाइम तो लगेगा. लेकिन या ऑन द कॉन्ट्री, देर आर मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो जल्दी हो जाते हैं. ईदर यू नो देम और यू डोंट नो देम, राइट? फिल इन द ब्लैंक्स में यस यू मे टेक सम टाइम, बट ओवरऑल इडियम्स हुआ, कंफ्यूजेबल्स हुआ, ये थोड़े जल्दी हो जाते हैं एज कंपेयर टू द अदर सेट ऑफ क्वेश्चंस, राइट? ग्रामर भी मोस्ट ऑफ द टाइम it doesn't take much time. Either you know it or you don't know it. Thoda sa dekh liya aapne, error spotting doesn't take much time. So, aap inko pehle rakh sakte ho. Provided that you're comfortable with it. Meri strategy kya hoti hai? Hamesha main sabse pehle ye verbal ability wale questions jo jaldi ho jate hain, main pehle, I like to start with them. Then I come to RCs. I am, I believe, equally good with all the sections. तो ऐसा है कि मेरा particular कोई झुकाव नहीं है, मुझे पता है कि पूरे ही attempt करने हैं. So I normally begin with questions which are less time consuming. So what happens is that in somewhere around 8 to 10 minutes, I'm done with almost 50% of the paper, and that is an amazing feeling. ठीक है ना? Alright. So you can do accordingly. Like, I'm just telling you, this was just an example. ठीक है? आप अपने पेस पे काम कर सकते हो, अपने हिसाब से चूज कर सकते हो. अब ये तो बातें हो गई टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग द एग्जाम, ठीक है? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि यार उधर एग्जाम में कोई जादू तो हो नहीं जाता. इफ आई एम स्लो, आई एम स्लो, एंड इवन इन द एग्जाम आई एम गोइंग टू बी स्लो. सो ऑब्वियसली यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर बिल्डिंग स्पीड इज टाइम्ड प्रैक्टिस. टाइम्ड प्रैक्टिस इज द की. जो भी हियर ऑनवर्ड्स आप लगाओगे, टाइमर लगा के ही करोगे. बी द पैसेज, बी द फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट यू विल टेक अप एट दिस जंक्चर इज गोइंग टू बी इन द फॉर्मेट ऑफ टाइम्ड प्रैक्टिस वेयर यू विल पुट अप अ रीजनेबल टाइम लिमिट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आपको इनिशियली स्ट्रगल रहेगी, यू विल नॉट बी एबल टू फिनिश इट इन द स्टिप्युलेटेड अमाउंट ऑफ टाइम, बट यू डोंट हैव टू वरी. यू हैव टू कीप ऑन पुशिंग योर सेल्फ. Keep pushing your limits. This is so crucial. Passage भी हम कर रहे होते हैं ना. Read at a faster than usual pace. कोशिश करो कि हमारे जो regular pace है उससे fast पढ़े हम. Initially your mind will scramble, right? Your comprehension will stumble, but then over a period of time, and trust me, that's going to be quick enough. You will feel कि यार मेरे को तो समझ में आने लग गया है. टाइमर लगा के प्रैक्टिस करो और एट अ स्ट्रेच बैठो. इससे आपकी स्टैमिना भी बिल्ड होगी. रीडिंग एट लेंथ विल इंक्रीज योर अटेंशन स्पैन एंड बिल्ड योर स्टैमिना.
अब यार आईवी मैट इंदौर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि इंग्लिश सेक्शन लास्ट में आता है एंड बाय देन स्टूडेंट्स आर सो फटीग्ड एंड सो एग्जॉस्टेड, देयर अटेंशन स्पैन इज लिटरली जीरो एंड दैट इज व्हेन दे हैव टू गो थ्रू, दे हैव टू रमेज थ्रू ह्यूज वॉल्यूम्स ऑफ कॉन्टेंट रिटन इन इंग्लिश, इट सीम्स लाइक ऑल ग्रीक टू अस बिकॉज वी आर सो एग्जॉस्टेड. यू विल हैव टू बिल्ड योर स्टैमिना, स्टैमिना पे तो काम करना पड़ेगा. और सबसे अच्छा तरीका इस पे कि रीड एट लेंथ, एक स्ट्रेच में लेके ना बैठो और रीडिंग करो. आप पैसेजेस भी लगा सकते हो, उसको क्वेश्चन फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हो. मतलब अपने आप को ट्रेन करो कि एटलीस्ट 1 आवर मेरा अटेंशन विंडो या अटेंशन स्पैन होना चाहिए. आई शुड बी कंफर्टेबली रीडिंग English or solving English at a stretch for at least an hour. तब जाके हमें लगेगा कि 40-45 minutes में हम comfortably वो चीज़ को कर पाएंगे. अगर ये too much लगता है, start with a more manageable window of 25 to 30 minutes. Bit by bit अपना concentration बढ़ाइए, अपनी stamina बढ़ाइए. The more you read, the better you become at comprehension. और comprehension में अच्छे हो तो para completion और para jumble भी बनेगा ही बनेगा. And finally, your path to progress. Okay, so I've seen students directly jumping to mocks. अब आपका मॉक में कभी स्कोर अच्छा नहीं आ सकता अगर आपने जो एलिमेंट्री चैप्टर्स हैं उन पे काम नहीं किया है. ठीक है, you've never worked on grammar, right? You've barely attended classes or you don't know about the elementary rules. And in mock you expect कि मेरे से जादू से हो जाए, नहीं होगा. So we normally start with topic tests. हमने हर टॉपिक के टेस्ट किए. अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप अब कर सकते हो. इट्स नेवर टू लेट टू बिगिन. एंड इफ यू हैव बीन डूइंग दिस ऑल दिस व्हाइल एंड यू फील के मैडम ये तो हम कर ही रहे हैं बट नथिंग हैज वर्क्ड, मे बी यू हैव नॉट आइडेंटिफाइड व्हाट आर द प्रॉब्लम एरियाज. तो हर टॉपिक देखो, उसमें आइडेंटिफाई करो कि यहाँ पे वेयर एम आई लैकिंग, क्या कमी जा रही है. मे बी माई कॉन्सेप्ट्स आर नॉट इन प्लेस, राइट. आई एवरी टाइम मेस अप विद फिल इन द ब्लैंक्स बिकॉज द वर्ड्स आर वेरी क्लोज एंड आई नीड टू टेक मोर एंड मोर ऑफ टॉपिक टेस्ट प्रैक्टिस ऑन फिल इन द ब्लैंक्स, राइट. टॉपिक टेस्ट करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप होता है आपका सेक्शनल टेस्ट. पूरा पूरा सेक्शन लगाने की आदत. एंड फाइनली वी कम टू द मॉक्स. सो यू नो दिस इज हाउ स्टेप वाइज यू प्रोसीड. यही तरीका होता है. अगर आप अभी अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, क्रैश कोर्स के बच्चे हैं, तो ऑब्वियसली यू डोंट हैव दैट मच टाइम. बट बीच बीच में यू विल स्टिल हैव टू फाइंड अ विंडो वेयर यू कैन फिट इन ऑल ऑफ दीज, इफ नॉट इन अ सीक्वेंस स्टिल स्पोरैडिकली ही सही, बट प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी. ठीक है, सो क्लास आई एम वेरी मच होपफुल कि अगर आप स्टेमिना बिल्डिंग करोगे, टाइम्ड प्रैक्टिस करोगे, हमेशा पुश करोगे अपने आप को, राइट, और अच्छे से एनालिसिस करोगे एंड यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, डेफिनेटली यू विल इंप्रूव. हो ही नहीं सकता कि इंप्रूवमेंट ना हो. एंड व्हाइल सॉल्विंग यू नो योर एक्चुअल पेपर इन द एग्जाम, आपको बहुत बहुत कंट्रोल्ड होना है. यू नीड टू चूज योर क्वेश्चंस वाइजली. ओके, यू मस्ट नो व्हेन यू हैव टू क्विट एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू बी मोर स्ट्रैटेजिक कि क्या मुझे पहले लेना है, क्या मुझे बाद में लेना है. बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कंटेंजेंसी मैनेजमेंट इज द बेस्ट. तभी पेपर को देख के आप बेस्ट रियलाइज कर पाओगे कि देन एंड देयर आपको पेपर को कैसे टैकल करना है. ओके, सो क्लास आई वेरी मच होप दैट यू हैव लर्न अ लॉट एंड देन आई विल कैच यू इन अनदर वीडियोज ऑफ माइन. ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग, बाय.